देश की सियासत में लखनऊ एक बार फिर से केंद्र बिंदु में है, जिसकी वजह यह है कि आज अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। ये मुलाकात इस नज़रिए से भी अहम है क्योंकि विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा संदेश हो सकती है, क्योंकि आज नीतीश कुमार की जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात होनी है, तो दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से होनी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एक धागे में जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, वहीं अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी, और अब ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कई हद तक जो विपक्ष का पीएम उम्मीदवार होगा उस पर चर्चा की जा सकती है। और इस मुलाकात के बाद काफ़ी अहम नतीजे भी आ सकते हैं कि किस नाम पर सहमति बन सकती है। और अगर बात यूपी की करें तो सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में यूपी जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 80 सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी के पास भी यहाँ पर एक मजबूत वोट बैंक है, और गठबंधन के साथ वो अगर मजबूत तरीके से और मजबूत समीकरण के साथ उतरता है तो निश्चित तौर से भाजपा के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। वहीं अगर बात करें यहाँ के प्रमुख दल बसपा की, तो बसपा की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर कुछ बेहद और या सकारात्मक चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मायावती ने कल ही आनंद मोहन के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार लखनऊ आ रहे हैं तो अखिलेश यादव को तो मनाने आ रहे हैं, लेकिन मायावती नाराज़ चल रही हैं। तो अब ये देखने वाला होगा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को किस तरह से जोड़ते हैं और क्या वो समीकरण साध पाते हैं जो उन्हें मजबूती दे और विपक्षी एकता को मजबूत करे। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, दलित हिंदी।